हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत लर्निंग स्टेशन। तो आज हम जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ करंट अफेयर्स में और न्यूज एनालिसिस में डिस्कशन करने वाले हैं, वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज पार्लियामेंट में 7 अगस्त को कुछ बातें हुई। क्या बात हुई? एक तो राहुल गांधी, जिनको पहले लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुना दी थी। मोदी रिलेटेड एक उन्होंने भाषण दिया था, मोदी रिलेटेड कुछ टर्म यूज़ किया था उसके लिए, तो इनकी क्या कर दिया, सज़ा माफ़ कर दिया। और हाँ, एक बात वीडियो के अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इंग्लिश में समोसे को क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो क्या है कि लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने अभी 7 अगस्त को एक नोटिस जारी करके बताया कि मोदी सरनेम से रिलेटेड जो इनकी एक कन्विक्शन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिए, इसलिए इनकी सदस्यता बहाल की जा सकती है। मतलब आगे वाले आने वाले समय में जब भी ये प्रोसीडिंग होगी संसद की, उसमें राहुल गांधी भाग ले सकते हैं। और क्या हुआ भाई, आज लोकसभा में और संसद में राइट टू, ये क्या बोलते हैं, एक बिल पास हुआ। और इस बिल का था आई डोंट नो बेस्ट ऑफ सेड एक्शन सेंटर नीडेड डिजास्टर लाइक, ये सब चीज़ें होंगी। तो उसमें क्या होगा, एक डिजिटल प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ। और डिजिटल पर्सनल डाटा का सेंट्रल को इसमें अथॉरिटी होगी, और सेंट्रल अथॉरिटी रख के कोई भी डाटा जब जरूरत होगी तो तुरंत ले सकती है। लोगों का कहना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ये वायलेट करेंगे, और दूसरी बात है कि स्टेट की जो राइट्स हैं उनको वायलेट करेंगे। लेकिन ये हमारे वो मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ये कहा है कि अगर सेंट्रल के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि कोई भी बड़ी आपदा होगी उस समय अगर कोई डाटा की जरूरत होगी तो कहाँ से क्लियरेंस कराते फिरेंगे, स्टेट से आदि से, है ना। एक और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जो क्या बोलते हैं, चेस ओलंपिक, एक चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बी मुकेश, बी मुकेश, अब देखो बी मुकेश, सॉरी बी मुकेश नहीं, बी गुकेश। अब ये चर्चा में क्यों है, क्या है, इन्होंने पहली बार पिछले 37 सालों में पहली बार जो हमारे भारत के नंबर वन चेस प्लेयर थे विश्वनाथ जी, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत में नंबर वन पर आ गए हैं। एक बार और हुआ था पहले 2016 में, कई खिलाड़ी थे जो हरि कृष्णा 2016 में वो आए थे विश्वनाथ को पीछे छोड़ते हुए आगे पहुंच गए थे, लेकिन ऐसा कुछ ही दिन हुआ। लेकिन इसके बाद ये पहली बार हुआ है कि 17 साल के एक लड़के ने, ये हैं ये 17 साल के हैं ये गुकेश जी, और इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे कर दिया है। ये अभी 9वीं रैंक पर हैं और ये 10वीं रैंक पर हैं। तो कहने का मतलब पहली बार भारत के 2 खिलाड़ी विश्व रैंकिंग में 9वें 10वें पायदान पर हैं। और देखो एक बार ऐसे ऐसे ही जानकारी के साथ अगर हम कहें कि ये प्रधानमंत्री ने 508 अमृत भारत स्टेशन के लिए पैसा रिलीज कर दिया है, और 508 अमृत भारत, 508 अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। भाई अमृत भारत क्या है, अमृत भारत एक स्टेशन जोड़ो योजना है जिसमें क्या है कि कोई भी स्टेशन होगा उसकी बहुत अच्छी सी व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पे मतलब बेसिक अम्यूनिटीज प्रदान की जाएगी, वाईफाई, और उसको जो बनाया जाएगा वहाँ के लोकल में जिस तरह की कल्चर है उस कल्चर के अनुसार बनाया जाएगा। और 508 में क्या है, 55 उत्तर प्रदेश में है, 55 और राजस्थान में और अन्य प्रदेशों में है। तो जो योजना है उसका क्या है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत है। और इसमें क्या क्या होता है कि अमृत भारत स्टेशन दीर्घकालिक दृष्टि से निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है, और योजना का उद्देश्य पुरानी इमारतों की लागत कुछ लागत तरीके से स्थानांतरित करना है, और कार्यकारी लॉरेंस, भूदृश्य, हरे वगैरह, पेड़ बगीचे, वाईफाई, शौचालय, स्थायी पर आदि इसके प्रमुख काम हैं। अब क्या है नूह मेवाज, ये भाई इथिक्स के पेपर में और जनरल स्टडीज के पेपर में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि नूह, नूह देखो एक ये जगह है ना, नूह एक जगह जो ये मेवात रीजन है, राजस्थान का मेवात रीजन है, मेवात रीजन में एक नूह जगह, ये नूह जगह। अब नूह जगह में क्या प्रॉब्लम है भाई कि यहाँ पर 20वीं सेंचुरी में, अब ये अभी भी इतना पीछे है ये डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे अभी कम्युनल वायलेंस हो गए, मतलब हिंदू मुस्लिम कुछ लोग आपस में इस बात को लेके लड़ गए और बड़ा प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। तो ये क्या है कि ये टोटल पॉपुलेशन इज अबाउट 15 लाख एंड 70% ऑफ देम इन द मुस्लिम, मतलब यहाँ पर 15 लाख होंगे, 70% इसमें मुस्लिम है, बहुत पिछड़ा जिला है। तो जहाँ पर
हरियाणा बहुत विकसित जिला है, उन जिलों में ये अभी भी मेवात रीजन या नू डिस्ट्रिक्ट बहुत ही पिछड़ी है। तो इस पूरे आर्टिकल में क्या कहा गया है, पूरे आर्टिकल में, इस पूरे आर्टिकल में कहा गया है कि जो हरियाणा का जिला है भाई, इसमें किस किस तरह से किया जाए, किस किस तरह चीज़ों को बताया जाए, और आदमी को कैसे समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले भी होती थी, कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं। कम्युनल वायलेंस होने से गांधी जी ने कहा कि अगर कोई हिंदू या मुस्लिम आपस में राजनीतिकरण के लिए अगर एक दूसरे को यूज करता है तो ये बहुत ही घातक है, देश की अखंडता और अखंडता के लिए भी बहुत परेशानी वाली बात है। और इस आर्टिकल में ऐसा ही और भी कहा गया है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए कई तरह के गलत सलत काम कर लेती हैं, उससे क्या होता है कि इनका कोई फायदा हो या नुकसान हो पता नहीं, लेकिन देश का जरूर नुकसान होता है। फिर यहाँ ये आर्टिकल में कहते हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी, अगर कोई हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कहता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे और उसके साथ काम करेंगे, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री को भाई क्या चाहिए कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, लोगों का रूल होता चाहिए, और लोगों के रूल में आर्टिकल 14 क्या कहता है, न तो हमें जाति दिखती है, न धर्म दिखता है, और न कास्ट दिखती है, न वंश दिखता है। इनके आधार पे हम क्या करेंगे, ये इस तरह के हम डेमोक्रेटिक रूल को स्थापित करेंगे, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो गलत है। और भी इसमें बातें कही गई हैं कि अगर कई बार क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, जिनके पास पावर होती है, वो उसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। और हाँ, ये और कहा गया है कि जो ये जगह है नू, यहाँ पे इस जगह भगवान कृष्ण अपनी गाय वहाँ को ले जाते थे और वहाँ पर इनको घुमाते थे, है ना। तो ये सब इसके बाद बात बताई गई है, और ये डिस्ट्रिक्ट की जगह है जो हम इसके बारे में आसानी से देख सकते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसे पहली बार बोला है कि भाई इसकी धरती बनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 1916 में बना था, और इसकी धरती बनर्जी, धरती बनर्जी पहली महिला इसकी अध्यक्ष है, धरती बनर्जी, और ये लेखक भी है, इन्होंने ऐसे बोला है कि जितनी पूरे विश्व में बर्ड है उसकी 5% बर्ड इंडेमिक है, मतलब भारत में खुद पाई जाती है भारत में। और एक और इन्होंने बात बोली है कि इंडेमिक वर्ण है तो भारत बना रहा है अपना 75वां साल, और जो 75 वर्ण है वही इंडेमिक है, ये कोइंसिडेंस है, इस तरह की बात इन्होंने बताई है। इंडेमिक क्या होता है, इंडेमिक वर्ड वैसी होती है जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ है, मतलब जहां पर वो पाई जा रही है उसी स्थान की हो, स्थानिक हो, ऐसी वर्ड को इंडेमिक बोलते हैं। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो भारत में पाए जाने वाले जो वन्य जीव होते हैं उनकी देख रेख का काम करती है। तो भाई क्या है इसका, ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण इसका क्या है, सर्वेक्षण अन्वेषण और अनुसंधानों को बढ़ावा देना, और 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था इसका कार्यक्रम शुरू, ठीक है। और क्या है दूसरी बात, अब ये हाँ अंत में हमारा क्या है भाई, समोसे को क्या बोलते हैं, समोसे को इंग्लिश में रिसॉल्व बोलते हैं, रिसॉल्व। और थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब प्रशांत लर्निंग स्टेशन।